हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम लोगों ने सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको मॉड्यूल वन के बारे में बताया था। मॉड्यूल वन में कंप्यूटर का परिचय आपको दिया गया था कि कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारियां थी वो आप लोगों को प्राप्त करनी है। इस तरह आज मैं मॉड्यूल टू को डिस्कस करूंगा कि मॉड्यूल टू में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल टू में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, जैसे कंप्यूटर असेंबल करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए। अब टूल्स में जैसे पेचकस है, प्लास है, रिस्ट स्ट्रिप है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की सीडीज चाहिए, डीवीडी चाहिए, या कंप्यूटर असेंबल करने के लिए हमें क्या क्या हार्डवेयर पार्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीजें हमें कंप्यूटर में लगानी है। एक्चुअली जो सेकेंड मॉड्यूल है वो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर से परचेज करने के लिए है। मैं इसमें पढ़ते बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। कंप्यूटर असेंबल हेतु आवश्यक सामग्री जैसे पेचकस, प्लास, स्ट्रिप तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर की सीडीज और डीवीडी। कंप्यूटर असेंबलिंग के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स की जानकारी, उनके कीमत, मतलब वो पार्ट्स कौन कौन से लगेंगे और वो कितने रुपए की रेंज में मिलेंगे, उनके बारे में देखेंगे। एड ऑन कार्ड्स जैसे साउंड कार्ड, इथरनेट कार्ड, मॉडेम कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मदरबोर्ड, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मदरबोर्ड के कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पोर्ट लगे होते हैं, उनमें कौन कौन से स्लॉट्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सीपीयू, मदरबोर्ड में जो सीपीयू लगाया जाता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसकी सीपीयू क्या काम करता है, सीपीयू एक्चुअली है क्या, सीपीयू के बारे में पूरी बात की जाएगी। मदरबोर्ड पर बायोस होती है, रोम होती है, एक रीड ओनली मेमोरी जो कंपनी के द्वारा प्रोग्राम उसमें रिकॉर्ड करके दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। कंप्यूटर की बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, हम कहते हैं कंप्यूटर बूट हो रहा है, बूट के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके साथ में होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। कंप्यूटर में सीडी ड्राइव्स, इनकी वर्किंग किस तरह से है, हम सीडी खराब हो जाए तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। कंप्यूटर को बूट करने के लिए बूटेबल सीडीज वगैरह कैसे बनाई जाएंगी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना हो कैसे किया जाएगा। एसएमपीएस के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर की कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, हेडफोन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में स्टडी आएगी, कंप्यूटर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पहले सीआरटी मॉनिटर चला करते थे, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर्स हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे, ये कैसे काम करते हैं। प्रिंटर्स, हमें हार्ड कॉपी निकालनी चाहिए, प्रिंटर्स की आवश्यकता पड़ती है, प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, वो प्रिंटिंग कैसे करते हैं, उनमें किस तरह की खराबियां आ सकती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। हमें फोटो स्कैन करने के लिए स्कैनर की आवश्यकता पड़ती है, स्कैनर की वर्किंग के बारे में भी देखेंगे कि स्कैनर क्या है और कैसे काम करता है। कंप्यूटर की एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी कार्यप्रणाली को जानेंगे। मॉडेम, मॉडेम के बारे में जानेंगे। यूपीएस, कंप्यूटर में हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली से हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, अगर वोल्टेज ज्यादा हो, कम हो, बार बार आ रही हो, जा रही हो, तो बैटरी से बैकअप देकर हमारे कंप्यूटर को बंद होने से बचाता रहता है, यूपीएस के बारे में स्टडी करेंगे। और बिजली की जो समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यूपीएस दो प्रकार के, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों के बारे में हम स्टडी करके चलेंगे। तो आप कुंडला के ये देखिएगा, जो मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल वन कंप्यूटर के जनरल स्टडी के बारे में है, मॉड्यूल टू स्पेसिफिकली हार्डवेयर को लेकर बनाया गया है। कंप्यूटर बनाने के लिए हमें जो भी हार्डवेयर चाहिए, जो भी कंपोनेंट्स चाहिए, जो पार्ट्स हमें चाहिए, उनके बारे में हम स्टडी मॉड्यूल टू में करेंगे। आप लोग इस पीडीएफ को देखिएगा, इसमें पढ़ के देखिए, कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं आए तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन मॉड्यूल की डिटेल जानकारियां हम लोग आने वाली क्लासों में एक स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।